चंद दो हेड्स नाउ। तो हेलो सर्वाइवर्स, तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो गाइस आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, आप जो अपना वॉइस चेंज है लाइव अपने प्लेयर्स के साथ कैसे कर सकते हैं। जैसे आप कैसे ग्रुप में गए, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ। कोई भी बंदा आपका आता है, इसको इन्वाइट कर लेते हो और वो आपका ग्रुप में आता है, और गाइस उसके साथ आप मतलब वॉइस चेंज करके बात कैसे कर सकते हो वो भी लाइव। और गाइस या गेम में अगर आप किसी भी रैंडम प्लेयर के साथ हो, उधर आप गेम मतलब ये जो वॉइस है आपकी वो चेंज कैसे लाइव कर सकते हो, वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ गाइस इस चैनल को करें ना सब्सक्राइब, और गाइस साइड में जो बेल आइकन रहता है उसको भी ऑल पे सेट कर देना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। तो चलेगा बिना टाइम के साथ वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे दो तरीके के वॉइस चेंज होते हैं गाइस, एक तो ऑनलाइन दूसरा ऑफलाइन। तो गाइस जब आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं वॉइस चेंज कैसे कर सकते हैं, तो गाइस यहाँ पे इतने सारे वीडियोस निकल के आते हैं जिसमें आपको बताया जाता है आप ऑफलाइन कैसे जो आपकी वॉइस चेंज है वो कर सकते हो। मतलब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आप ऑनलाइन कैसे कर सकते हो। तो गाइस पहले मैं आपको बताता हूँ, जो आपके ऑफलाइन है गाइस उसमें बहुत सारा इजी है गाइस, आप चेंज कैसे कर सकते हो। उसमें ज़्यादा कुछ आपको करना होता है नहीं, आपको जो अपनी वॉइस है वो रिकॉर्ड करनी होती है। और गाइस किसी भी वॉइस चेंजर के साथ ज़्यादातर लोग DU रिकॉर्डर इस्तेमाल करते हैं, और गाइस उसी से रिकॉर्ड करके अपनी वॉइस चेंज करते हैं। लेकिन गाइस जब आप मतलब वो मतलब यूज़ करते हो गेम में, तो गाइस उसका मतलब फेल हो जाता है, उसमें कुछ समझ में नहीं आता आपको, और गाइस आपको वो एप्लीकेशन डिलीट करके आपको समझ आता है गाइस वो तो ऑफलाइन है। तो गाइस वो भी एक स्कैम आप देख सकते हो गाइस, वो आपके साथ कुछ बंदे बोल रहे हैं आपको वो इंस्टॉल करने के लिए, लेकिन गाइस वो ऑफलाइन है गाइस। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑनलाइन कैसे करते हैं। तो गाइस जैसे मैं आपको बता दूं, आपके पास फ़ोन है MI का, तो गाइस पहले मैं आपको बता दूं, जो ये वॉइस चेंजर था ये कुछ ही फोन्स में होता है, ये मतलब इनबिल्ट होता है फ़ोन में, ये फ़ोन का ऑफिशियल होता है। इसमें कोई आपको नया ऐप या नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना पड़ता है आपको, इसमें क्या करना पड़ता है सिर्फ आपके फ़ोन में ये फीचर होना चाहिए इनबिल्ट। तो गाइस आपको मैं बता दूं, जब वीवो फ़ोन था, वीवो फ़ोन में सबसे पहले जो वॉइस चेंजर आया था उसमें मतलब बंदे जो जिसके पास वो फ़ोन हुआ करता था, तो गाइस वो बंदे सिर्फ वॉइस चेंज किया करते थे लाइव अपने मतलब दोस्तों के साथ गेम में वगैरह में। तो गाइस वैसे जो बंदे हैं गाइस आप मतलब उनको लगता है गाइस हर कोई कर सकता है, तो गाइस वो आप यूट्यूब पर ऐसी मतलब चीज़ें ढूंढते रहते हैं, तो गाइस उनका नहीं मिलता है। तो गाइस ये मैं बाय बता दूं आपको गाइस, आपको जो मतलब ऐप के द्वारा आप लाइव नहीं कर सकते हो, तो गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ अपना जो फ़ोन है गाइस वो आपको देख लेना है। जैसे अगर आपके पास MI का फ़ोन है, तकरीबन सब लोगों के पास आजकल MI फ़ोन होता है, ज़्यादा लोगों जो फ्री फायर खेलते हैं गेम प्ले उनके पास नहीं होता है। तो गाइस मैं बता दूं आपको, जो MI फ़ोन होता है उसमें ये फीचर भी आ चुका है गाइस। यहाँ पे अगर आपके वीवो फ़ोन होता है गाइस, तो गाइस उसमें तो था ही पहले से, लेकिन गाइस जो भाई MI फ़ोन है गाइस उसमें भी आ चुका है गाइस। तो गाइस इस वीडियो में मैं वही बताऊंगा आपको किधर आप वो मतलब जो फीचर वो MI फ़ोन में देखने को मिलेगा। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना गाइस वो मैं आपको बता दूं। तो गाइस आपको जो मैं स्टेप्स बोलूंगा उसके साथ आपको बराबर जो स्टेप्स है वो फॉलो करके रखने हैं। अगर आप पे फॉलो किए तो गाइस आपका वॉइस चेंज डेफिनेटली होगा, अगर आपके पास MI का फ़ोन है या पोको का फ़ोन है, जिसका भी फ़ोन है, लेकिन गाइस MI का फीचर्स थोड़े होंगे ही उसमें। पोको का फ़ोन है उसमें थोड़े MI के फीचर्स भी है, MI लॉन्चर होते हैं उसमें। तो गाइस वही मैं बताऊं आप वही मैं बताने वाला हूं आज इस वीडियो में वो कैसे कर सकते हो। तो गाइस सिंपली आपको क्या करें ना, आपको अपने जाना है सेटिंग सेक्शन में। तो गाइस सेटिंग सेक्शन में जाऊंगा मैं, यहां पे आप देख सकते हैं गाइस, सेटिंग सेक्शन में जाने के बाद यहां पे आपको लिखना है ऊपर गेम टर्बो। तो गाइस यहां पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है गेम टर्बो, तो गाइस यहां पे निकल के आ चुका है गेम टर्बो। तो गाइस यहां पे आप देख सकते हैं ऐसे करके बहुत सारे गेम्स निकलेंगे जो भी आपके पास है गाइस, तो गाइस वो मतलब आपको ऑन करके रख लेना है गेम टर्बो। तो गाइस जैसे यहां पे आप देख सकते हैं मैं अभी गेम टर्बो में आया था, तो गाइस यहां पे आप देख सकते हैं गाइस ब्रश की मदद से मैं आपको दिखाऊंगा ऊपर एक सेटिंग्स का ऑप्शन और प्लस का ऑप्शन दिखाई देगा आपको। तो गाइस आपको सेटिंग्स के ऑप्शन पर टैप करके यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला ही ऑप्शन है गेम टर्बो को ऑन कर लेना है आपको। तो गाइस आपका ये अगर ऑफ होगा तो इसको ऑन कर लेना, ठीक है गाइस।
तो गाइस ये पहली बात है। तो गाइस यहां से बहुत सारे इसके सेटिंग्स वगैरह गाइस, इसको मतलब इनके साथ आपको कुछ करना है तो है नहीं, बस अगर आपको कुछ एडजस्टमेंट चाहिए तो गाइस यहां से आप देख सकते हो, कुछ एडजस्टमेंट भी आप कर सकते हो। तो गाइस इसको ऑन करने के बाद आपको किधर जाना है, डायरेक्ट गेम में जाना है। तो गाइस मैंने ऑन करके रखा था इसलिए गाइस मैं मतलब नए से गेम नहीं खोलूंगा। तो गाइस जब आप इसको ऑन करोगे गाइस, तो गाइस यहां पे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड के स्क्रीन पे टॉप राइट कॉर्नर में मुझे एक स्लाइड देखने को मिल रही है, जिसको मुझे मतलब क्या यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे लेफ्ट साइड से आपको कुछ दिख रहा होगा लेकिन गाइस ये थोड़ा मतलब लाइट दिख रहा होगा, ज्यादा मतलब ये डार्क नहीं है। तो गाइस आपको क्या करना है, जो ऊपर से गाइस स्लाइड कर लेना है लेफ्ट की तरफ, टॉप राइट टॉप लेफ्ट कॉर्नर से स्लाइड कर लेना है राइट की तरफ से। तो गाइस जैसे मैंने स्लाइड किया तो गाइस यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे इतने सारे ऑप्शंस आ चुके हैं गाइस। तो गाइस ये जो ऑप्शंस है गाइस, ये आपको क्या कर लेना है गाइस, इसमें से सबसे लास्ट वाला जो एरो आपको यहां पे दिखाई देता है, यहां पे आप देख सकते हैं ये वाला एरो, तो गाइस इसको आपको क्या करना है, इस पे आपको टैप कर लेना है। यहां पे आप देख सकते हैं इस पे टैप कर लेने के बाद आपको यहां पे नीचे और सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। यहां पे आप देख सकते हैं नीचे जब आप बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे तो गाइस यहां पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहां पे ये वाला। तो गाइस यहां पे आप देख सकते हैं ये जो मतलब आदमी है ये बात कुछ कर रहा है। तो गाइस ये वाला अगर आपके पास आया अगर आपके फोन में, तो गाइस आपके फोन में डेफिनेटली वॉइस चेंज होगा। तो गाइस अगर आपके पास ये नहीं हुआ, बाकी सारे बाकी हो गए, मतलब यहां पे आप देख सकते हैं वाईफाई वाला भी है गाइस, सिम कार्ड वाला भी है, एम वाला भी है और कंप्यूटर मोबाइल सब कुछ वाला है। अगर आपके पास ये वाला होगा तो गाइस आपका वॉइस चेंज होगा, और गाइस अगर आपके पास ये वाला यहां पे नहीं दिखाया तो गाइस आपका वॉइस चेंज नहीं होगा। तो गाइस अब मैं दिखा दूं अगर आपके पास होगा तो गाइस आप वॉइस चेंज कैसे कर सकते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं जब मैं इस पे टैप करता हूं तो गाइस यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे खुल के आता है हमारे पास वॉइस चेंजर। तो गाइस वॉइस चेंजर में यहां पे आप देख सकते हैं कितने आवाजें, 1 2 3 4 5 डिफरेंट आवाजें आप निकाल सकते हैं गाइस, और गाइस आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं एट ए टाइम। यहां पे आप देख सकते हैं ट्राई वाले ऑप्शन पे जब मैं टैप करता हूं तो गाइस आप कोई भी जॉब की वॉइस है गाइस यहां पे आप देख सकते हैं, ये वाली हो ये वाली हो, इसमें जो भी आपको पसंद है गाइस वो वाली करके आप रिकॉर्ड अब मैं अपनी सुन सकते हैं। तो गाइस यहां पे मैं आपको एक आवाज दिखा के मतलब ट्राई करूं, यहां पे आप लास्ट वाली देख सकते हैं जिसमें कार्टून मैन लिखा है, वो आप ट्राई करके देख लेना। तो गाइस यहां पे शायद ये नहीं हो, यहां पे आप देख सकते हैं गाइस मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो गाइस यहां पे आपने देखा जो ये आवाज है गाइस ये कैसी होती है गाइस, यहां पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको आवाज चेंज करने की। ये मैंने कार्टून वाला किया था गाइस, आपको गर्ल वुमेन रोबोट मैन जो गाइस सब सभी जो आपके लिए मतलब पसंद है गाइस वो आप यहां पे देख सकते हैं, आपको यहां पे मिल जाएंगे। तो गाइस बस आपको क्या कर लेना है, अगर आपके पास ये वाला फीचर होगा तो ही आपका वॉइस चेंज होगा। तो गाइस ये जो बाकी फोन्स है वो भी शायद ये जो मतलब अपने गेम टर्बो में ये वाला फीचर ला मतलब लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइस फ्यूचर में बहुत सारे मतलब आपके फोन में भी आ सकता है गाइस, तो गाइस आप मतलब वेट कीजिए अगर आपके फोन में नहीं है। तो गाइस अगर आपके फोन में है बस इसके मजे लीजिए और क्या। तो बस इतना ही बताना था आज इस वीडियो में। तो गाइस होप करता हूं आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो गाइस आपको अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, और गाइस अपने दोस्त के साथ शेयर भी कर देना। तो बस इतना ही बताना था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय गाइस।